नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हमारा पैसा आता है अभी जिस भी बैंक में आ रहा है, अगर आपको उस बैंक को चेंज करना है तो आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ कि आप कैसे सिंपल सा स्टेप करके आप अपने बैंक की जो डिटेल है उसको चेंज कर सकते हो, मतलब दूसरा बैंक में आप अपने पीएम की सम्मान निधि योजना की जो पैसा है उसको ले सकते हो। तो दोस्तों पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हमारा पैसा आता है वो डीबीटी के माध्यम से आता है। अब अभी के डेट में केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना है, सभी योजनाओं का जो पैसा आता है वो डीबीटी के माध्यम से आता है। डीबीटी मतलब अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आता है आधार नंबर के माध्यम से। जो पैसा भेजा जाता है वो आधार नंबर के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। तो जिस बैंक के साथ आपका आधार नंबर के माध्यम से डीबीटी लिंक रहता है, एनपीसीआई चालू रहता है, उसी बैंक में आपका पैसा चला जाता है। तो जमान के चलिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो दूसरे बैंक में लाना है। तो जैसे कि अभी आपका उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अभी आपका पैसा आ रहा है केनरा बैंक में, अब उसको लाना है आपको स्टेट बैंक में। तो अब इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए आपको स्टेट बैंक जाना रहेगा क्योंकि आपका केनरा बैंक में चल रहा है अभी, उसको आपको करवाना है स्टेट बैंक में। तो उसी बैंक में जाना है, मतलब जिस बैंक में आपका चालू करवाना है उसी बैंक में जाना है और उस बैंक का पासबुक की फोटोकॉपी ले जाना है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना है। और आपको बैंक में जाकर के बोलना है कि हमारा जो डीबीटी है वो केनरा बैंक में चालू है, मतलब दूसरे बैंक में चालू है, उसको बंद करके आप हमारा जो डीबीटी है स्टेट बैंक में चालू कर दीजिए, मतलब आपके बैंक में चालू कर दीजिए, ऐसा आपको बोलना है। वहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि अभी वर्तमान में इस बैंक में हमारा डीबीटी चालू है, ऐसा करके तब वो उसमें से अपने सिस्टम में देखेगा और उसको डिसेबल करेगा और अपने जो बैंक है उसको इनेबल करेगा और आपका जो डीबीटी है उसी बैंक में चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ से जब आपका किस्त आएगा किसी भी योजना का या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, जब भी कोई दूसरा तीसरा आपका जितना भी किस्त आएगा, अगला किस्त, वो आपके उसी बैंक में आएगा। तो इस माध्यम से आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है उसको दूसरे बैंक में ला सकते हो, बैंक को चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार से किसी भी योजना में अगर आपका पैसा आ रहा है इसी के माध्यम से आप बैंक डिटेल को चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप सिंपल सा स्टेप करके इसको चेंज कर सकते हो। आज की वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।